नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल MSC क्रिएशंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें हमने कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीने पहले एक आपको अपडेट दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक स्टार 3020 का जो सॉफ्टवेयर हमने दिया था, तो उसके बारे में हमने बताया था और उसका लुक कैसा है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हमने उस वीडियो में बताया था। तो उसी का दोस्तों एक अपडेट आया है, अभी नए नए अपडेट आया है, तो उसको हमने अपने GX जो NK सीरीज का बॉक्स है उसके लिए इसको फिक्स किया है। तो उसमें रिमोट और ये सारा जो फिक्स कर सकते थे उतना फिक्स किया है उसको। तो अभी ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों आपको GX6605S NK के लिए मिलेगा, और उसमें आपको कैसे इसको यूज करना है और इसमें है क्या क्या चीज़ें नई ऐड की गई हैं और पुराने में जो प्रॉब्लम थी वो क्या क्या इसमें सॉल्व हो गई, वो सारी आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ चैनल स्कैन करे हैं और ये देख सकते दोस्तों, यहाँ पे हम जैसे मेनू बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों पहले इंस्टॉलेशन का ऑप्शन इसमें मिलेगा। तो इंस्टॉलेशन में एंटीना सेटिंग, फैक्ट्री रीसेट और पैच का ऑप्शन मिलेगा। पैच में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे विस्की और काफ़ी टाइप के अलग अलग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप विस्की, पावर व्यू सारा कुछ ऐड कर पाएंगे। और आपको दिखा दें तो अगला ऑप्शन एडिट चैनल का है, इसमें TV चैनल, रेडियो चैनल, रेडियो फेवरेट लिस्ट, डिलीट ऑल, डिलीट ऑल बाय सेटेलाइट, तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। अभी अगले ऑप्शन में जाएंगे सेटिंग, इसमें दोस्तों टाइम टाइमर, लैंग्वेज, AV सेटिंग, लॉक कंट्रोल, OHD कलर सेटिंग, अबाउट HD यहाँ पे देखने को मिलेगा। अबाउट HD में देख लें दोस्तों, ये स्टार सेट का ही सॉफ्टवेयर है और इसको NK के लिए इसको फिक्स किया गया है, तो आप इसको NK में ये वर्क करेगा, आपका NK वाले बोर्ड में ये आपका आसानी से चल जाएगा। और तो हम दिखा दें इसमें और क्या क्या आया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वाईफाई का ऑप्शन है और यहाँ पे वाईफाई सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा वाईफाई पहले से ही कनेक्ट है, तो अभी आपको दिखा दें, यूट्यूब चला के दिखा दें दोस्तों सबसे पहले। तो पिछला वाला जो दोस्तों सॉफ्टवेयर था उसमें यूट्यूब नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें यूट्यूब वर्किंग है। तो यहाँ पे यूट्यूब वर्किंग है, आपको कोई हम एक क्लिप चला के दिखा देते हैं। पहले थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वीडियो यूट्यूब का वीडियो है वो आसानी से यहाँ पे प्ले हो रहा है और अच्छी खासी चैनल लिस्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिले। अगला ऑप्शन दोस्तों वेदर का है, तो वेदर भी दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है अभी। और देख लें इसमें क्या है, इसमें नेटवर्क F2 है, तो इसमें दोस्तों लोकल IPTV आप यूज कर पाएंगे, एक्सट्रीम IPTV भी यूज कर पाएंगे। बाकी इसमें और भी आप IPTV का ऑप्शन है, जैसे स्पोर्ट TV, IPTV, डॉक्टर IPTV, MyHD, V6 IPTV, ये सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड दोस्तों IPTV है, तो इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बाकी लोकल IPTV में आप जाके यहाँ पे लोकल M3 फाइल से भी इसको आप चला सकते हैं। अपग्रेड बाय नेट दोस्तों इसको मत करें तो ये अच्छा होगा। DLNA रेंडर, यहाँ से दोस्तों अपने बॉक्स पे DLNA यूज कर सकते हैं। सर्वर का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सर्वर में आप देख लीजिए, इसमें CC CAM सर्वर, न्यूसीएस कैनाल और फॉरएवर प्लस सर्वर मिल जाएगा। दोस्तों आप इसमें CC CAM और न्यूसीएस सर्वर यूज कर पाएंगे, बाकी कैनाल और जो फॉरएवर प्लस सर्वर है ये दोस्तों इसके ऑफिशियल जो बॉक्स आते हैं उनके साथ ही मिलता है, इस पर ये दोनों सर्वर नहीं वर्क करेंगे। और अगला ऑप्शन दोस्तों TS डिले सेटिंग का है, यहाँ पे इसको भी आप यूज कर पाएंगे। अब आगे देख लें तो ये दोस्तों अपने USB प्ले करने के लिए, यहाँ पे USB अप से अपग्रेड करने के लिए और USB में बैकअप लेने के लिए यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्टार सेट का सॉफ्टवेयर जो हमने GX6605S NK के लिए फिक्स किया है। और इसके बाद आपको हम दिखा दें कि इसको दोस्तों डाउनग्रेड हमें कैसे करना है। तो दोस्तों अपग्रेड करना हमने पिछले वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोबारा से जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। अपग्रेड करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हेलो बॉक्स को सॉफ्टवेयर किसी बॉक्स में डालते हैं, तो पहले फर्स्ट डाउनग्रेड करते हैं, फिर सेकेंड डाउनग्रेड करते हैं, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक वैसे ही अब जब इसको डाउनग्रेड करेंगे तो हम दिखाएंगे आपको कैसे ये डाउनग्रेड होगा। तो डाउनग्रेड का भी दोस्तों हम यहाँ पे आपको
करके बता दे रहे कि ये किस प्रकार से डाउनग्रेड होगा। अपने रिसीवर से दोस्तों अपनी पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लिया है और अभी इसको हम अपग्रेड बाय यूएसबी पे जाएंगे और इस पर हम पहला डाउनग्रेड लगाएंगे। तो इसमें डाउनग्रेड करने के लिए यहाँ पे एक फाइल मिलेगी आपको starsetsolution.bin। तो यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट चालू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस बीच में पावर कट नहीं होना चाहिए अपडेट के दौरान, नहीं तो शायद आपका बॉक्स डेड भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अभी अपग्रेड हो जाएगा। तो देखते हैं अपग्रेड होने के बाद क्या आता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए हमारा बॉक्स यहाँ पे चालू हो गया है और यहाँ पे दोस्तों एक एरर हमें देखने को मिल रहा है, मशीन चिप आईडी इलीगल। कोई बात नहीं, इसमें अभी हम सीधे जाके सॉफ्टवेयर अपग्रेड में जाएंगे और इसमें अपना जो ओरिजिनल हमारा 888 का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो इसमें करेंगे। तो ये दोस्तों अभी हम यहाँ पे ओरिजिनल जो 888 का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे चढ़ाने लगे हैं, तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 888 प्लस का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का है वो बूट लोगो आ गया है और हमारा जो बॉक्स है वो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली जो उसके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे था उस पर ये आ गया है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो स्टारसैट का है ये दोस्तों ओरिजिनली खान डिश नेटवर्क जो वेबसाइट है उस पर आया है, लेकिन वो हार्डवेयर वर्जन दूसरा है और वो दूसरे बॉक्स के लिए आया है, लेकिन हमने यहाँ पे इसमें केवल रिमोट पेयर किया है और बाकी का सॉफ्टवेयर वही है। और इसमें दोस्तों फ्रंट पैनल पेयर करने की कोशिश करी है लेकिन इसमें फ्रंट पैनल वर्क नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ अभी नहीं हो पाई। बाकी यूट्यूब इसमें फिक्स है, पिछली बार में यूट्यूब नहीं चल रहा था, इसमें यूट्यूब प्रॉपर चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।